जी तो सरकार भाई को शौक करवाएं जी जी देखो ये सीधा बाहर चले बाहर आयो खैर जग हली पीछे करी अब करवाएं शौक ये फुरकान भाई की माशाल्लाह मुझे ये आदि बहुत पसंद आई है इतने लाइव चला के दोबारा शौक कर रहे हैं ये पसंद इसलिए है ये तो वो काजल कह रहे हैं इसको अच्छा मुझे लग रहा है ये फकीर गुलमत दी अच्छा जी क्या बात है जी माशाल्लाह क्योंकि इनमें और फकीर गुलों में 19-20 का भी फर्क नहीं क्या बात अब पर खोल इधर आ माशाल्लाह शौक करें नायाब कबूतरी इसको हर चीज अच्छी लगी हुई है बिल्कुल भी इसका वजन नहीं है क्या बात और इसके ये आखिरी परों की चलाई देखें 3-4 परों की देखें माशाल्लाह सलाइयां देखें पेपर देखें कागज देखें बगल देखें क्या बात है जी बहुत ही शानदार माशाल्लाह ये पहला पार ये पहला पार है और ये उसके बगल का पहला पार इनमें आप डिफरेंस देखें क्या बात ये बहुत अच्छी कबूतरी पूरा अच्छा सादे मोतर में इसके बच्चे उड़ाने के लिए ज्यादा काम आएंगे या ब्रीडिंग के लिए ज्यादा काम आएंगे ये ब्रीडर माती बच्चे उड़ाने नहीं चाहिए उसके नहीं मैं बगैर देखे ही काटे बगैर देखे काटे जो उन सब मर्दी नर लगा दे लाजमी मोर खाए क्या बात क्या बात चिंटी जी यार फुरकान भाई कह रहे हैं जी माशाल्लाह उनके रिसर्च के मुताबिक इसके कबूतरे के बच्चे कभी भी नहीं उड़ाने चाहिए जो बच्चे लाजमी जोड़े काटे उसे जो उड़ा भी लेंगे मोर खाएंगे इंशाल्लाह ओके आ जाए बस बाकी अंदर जाके अल्लाह अलग अलग कर दे हाल ना पूछो फिलहाल हाल खराब है जी उस ताजे मोहतरम की हाल है ठीक हो ताजी से थोड़े जोड़े रखने भी थोड़े रखने कामयाबी की वड्डी वजह इन्हां दी है थोड़ी सिलेक्शन कबूतर अच्छे ने सारे ये नहीं कि नहीं है सारे कट्ठे मतलब परिवार वाले कबूतर है जो एक परिवार के कबूतर होते हैं वही टाइम करते हैं उन्हें कट्ठिया जाना कट्ठिया होना उतो बिच कोई 10 बजे वाला हो कोई 12 बजे वाला हो तो फिर रिदम नहीं बनता रिदम ओ बनता वे जो 11 एको खून होने एको परिवार वाले हो फिर एवरेज बनते तो इन्होंने उठा के साबित भी किया दसिया सामने 11 दिन की एवरेज जिन्हें घंटे बनाए किन्ने बनाए थे मेरे ख्याल पौने 1100 हसन भी आज की माशाल्लाह इतनी अच्छी गैदरिंग रही है इस हवाले से फख्र पाकिस्तान है बल्कि और लेजेंड भी और आपके माशाल्लाह आइडियल भी है जी बिल्कुल नहीं है जरा हट गया अच्छा स्वाद मोहतरम फख्र दुनिया है जी अच्छा मैंने स्वाद अमीर मुख्तियार खान साहब से सुना है कि कबूतरबाजी को जो रूज मिला है ना वो स्वाद मोइन नवाज गुमन साहब की बदौलत मिला है तो हमारी स्वाद मोहतरम स्वाद अमीर मुख्तियार खान साहब से गपशप होती है जब इकट्ठे बैठते हैं ये उनसे सुना है कि कबूतरबाजी को जो आज रूज ये मिला है
ये स्वाद मुईन नवाज घुमन साहब की वजह से मिला है, हम तो शुरू से इनको फॉलो करते हैं, तो ये बड़े स्वादों को देख देख के अल्लाह पाक ने हमें भी जुनून, एक जुनून आता था कि हम भी चलो कभी अल्लाह पाक हमें भी ये मकाम देगा। और बिल्कुल मेहनत रहगा नहीं जाती, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, तो अल्लाह पाक की खास करम नवाजी रही हम पे भी। तो आज चलो आज इन थोड़ी बहुत ही पहचान बन गई है। हाँ सही बात है जी, बड़ी उस्ताद है हसन भाई गल है। पहले तो जरा अपने आप नु रिलैक्स करो, तुसी ते अंजी दे सबक सुनांदे पे हो, जरा इजी हो जाओ, तुहानू पसीना भी आंदा है पे। नहीं नहीं हुण गल पता की बड़े स्वाद पहचान तुहाडी है जे, अगे पुछो किंज। एक दिन किसे मामले दे विच उस्ताद चौधरी मुईन नवाज घुम्मन साहब मिसाल दित्ती सी तुहाडी कि शौक होना चाहिए यार, जिन मिठू लाली हसन लाली बहादरी नाल शौक कर दें दिलेरी नाल, ते मतलब है कि ए तुहाडे आस्ते इधर बैठ जा, इधर आ लेके इतने बड़े प्लेयर। हां जी दुनिया ते कबूतर पर भी दी दुनिया दा मैं कहना बेताज बादशाह काशी भाई, वो एक हमारे इलाके की बात हुई थी फैसलाबाद की। हां कोई मत गाल है वाले से स्वाद जी ने वो बताया था कि वो भी पंजाब में शौक करते हैं और जिस तरह वो शौक कर रहे हैं, बाजियां दड़ा दड़ लगा रहे हैं, दो साल से जो हमने बाजियां शौक किया है पूरे ओवरऑल केपीके में, पंजाब में, हरिपुर में, मर्दान सब में शौक किया है। बिल्कुल, तो शौक करना चाहिए जहां मर्जी केपीके, कोई मसला नहीं है, आपने जो अपने नसीब से आपने जीतना है तो डर खौफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए भी इजाज़ की बात है, स्वाजी ने हमारी एग्जाम्पल दी, नाम लिया, बेशक तो ये हमारा फख्र है और आज हमारे लिए बहुत काबिल फख्र की बात है कि ये आज मेरे ख्याल में क्रिकेट ग्रुप आपका जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता जी। आज माशाल्लाह गेट टुगेदर रहे हैं फैसलाबाद से भी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी शख्सियत आपके पास तशरीफ लाएं, जिसमें उस्ताद हाफिज रुकान ताहिर साहब और अब्बास भाई और हाजी अहमद जमान साहब मनान भाई और शदाद भाई टोबे से गुजर गुजर आप इन वाले से क्या कहना चाहेंगे कि माशाल्लाह फैसलाबाद की बड़ी अच्छी शख्सियत आपकी छत पे आई है, मौजूद है, मिल के मजा आया है। इस हवाले से माशाल्लाह आपने शौक भी करवाया हाई साहब को भी, तमाम दोस्तों को भी, कबूतरबाजी के हवाले से क्या कहना चाहिए, फैसलाबाद की कबूतरबाजी। आज हम तुम्हारे पास आए हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़ी खुशी है। तो बाकी शौक ऐसा देखा है सब मित्र बता सकते हैं उनको कैसे कबूतर लगे, कैसे हमारे अच्छे हैं, हमारे बड़े भाई जी बड़े समझदार हैं कबूतरबाजी में, और उसके बाद माशाल्लाह सारा क्रेडिट आज जिस बंदे को जाता है उसके बारे में क्या कहेंगे, वो तुम्हारी जान है। आज उस्ताद जी ने उनको टीका लगाया एक मोशी का। अच्छा साहब प्रेशर पहले ना हसन भाई ने गाल की थी, बहुत सी सतवीं अठवीं पढ़ते सा ते जो कबूतरी एक कुड़ी सी आई साहब दी तारा दी कबूतरी गाल बन उहदा नां सी पाया दा, उस कबूतरी दे मुतलक पुछांगा आई साहब के ओ कबूतरी कबूतर ने फिके बटेरे जिन्होंने मेडिकल आले कहने ते उन्हां दे कबूतर कैसे पाए तुसी, कैसे कबूतर ने हुए रात नु कबूतर नहीं बैठदे जमाने दे विच ते बैठे ने बड़ी बड़ी दूरों आंदे सी बल्कि तीन चार बजे टेलीफोन करते कबूतर उठते
फिर जाके वो आंदे होंदे सी इंजॉय करदे सी रात तक बैठते सी फिर लोगों नू मैं तुहानू आखरी एक गल दसदा जी जी मेरी बाजी चल रही सी ते बाजी साडी 2 बजे मेरा कबूतर जीत के सारे हरीफां बैठ गए बैठ गए ते बड़ी दुनिया सी उदो मैं छत खोलन वास्ते कहा बनिया छत खोल दे 3-4 बंदे विच मेरी गल पै गई अच्छा कहंदे जी असीं छत नहीं खोलन देनी मैं मालक हां कहंदे जी ये गल ठीक है तुहाडी ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੈਠਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੀ ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ੀ ਜੁੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੀ ਤੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐ ਸਨ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਐ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ